आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बेमौसम बरसात ने बढ़ाई उत्तराखंड में मुसीबत, किसानों की फसलें चौपट, कहीं नदियां उफान में तो कहीं हो रहे भूस्खलन, उत्तराखंड में बारिश का सितम। बेमौसम बरसात ने दिल्ली यूपी समेत समूचे उत्तराखंड के लिए आफत खड़ी कर दी है। पिछले 24 घंटे के भीतर हुई बारिश से न केवल किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि नदियों में जलस्तर भी बढ़ा है, कई जगह भारी भूस्खलन भी हुए हैं। पहली तस्वीर रामनगर के टेढ़ा गांव की है, जहां बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उफान में एक बस बहकर नदी में पलट गई। गनीमत रही कि इस बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। दूसरी तस्वीर भी रामनगर की ही कोसी नदी की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कोसी का जलस्तर अचानक बढ़ा और इसमें कई लोग फंस गए, जिसके बाद लोगों को जैसे तैसे रेस्क्यू किया गया। नदियों का ऐसा जलस्तर अमूमन बरसात के सीजन में देखा जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने मानसून सीजन की याद दिला दी है। बरसात में पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन आम होते हैं, लेकिन बीते दिन हुई बारिश के बाद मसूरी में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके चलते यहाँ मौजूद आधा दर्जन वाहन मलबे में दब गए। कुल मिलाकर बेमौसम बारिश से उत्तराखंड में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में मौसम का यही मिजाज रहने के आसार जताए हैं, यानी बिन मौसम हो रही बरसात अभी और मुसीबत बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।